चने की चाट में, दही बड़ों में, प्लस वो सेव पूरी भेलपूरी टाइप जो बनता है ना उसके लिए एक तो इमली की चटनी और ये हरी वाली जो चटनी है ये तो मस्ट है। इनफैक्ट मैं बल्कि रील भी देख रही थी, उन्होंने तो क्या किया था वो आइस ट्रे पे ना वो क्यूब्स बना के कुछ दिन पहले ही बना लें और फिर वापस वो क्यूब्स को निकाल के थैली में रखें फिर दोबारा। तो आपको ये नहीं है कि आप बहुत सारी चाहिए तो बहुत सारे आपको आइस ट्रेज चाहिए, उसी एक दो आइस ट्रेज में आप बार बार एम्प्टी कर एक पूरा पैकेज बना, बट ये बहुत यूजफुल है। हमारे यहाँ जैसे लाइक चटनी जो है वो फ्रीज करके रख दी होती है, वही ना चाहिए फटाफट निकाली टक 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 मिलाया दही मिलाई या जो भी चीजें मिलाई जो फ्रेश मिलाने वाली चीज होती है। ना भी करें अगर चटनिया ना तो ऐसी हर चीज के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दे, मैं अभी यही कहने वाली वो चीज खराब नहीं होती। हमारे यहाँ चटनिया का काम ना हमने आलिया को दिया, आलिया बहुत मजे की चटनी बनाती है। अच्छा। तो आलिया को पता से इमली की चटनी ना सिर्फ मुझे ही नहीं आया, फौजिया जी के घर भी वही बना के पूरा जार भेजती है, ग्रीन चटनी भी और वो तो सबको वो भेज देती है, तो वही हमारी चाट में या इस सब में काम आती है। तो ये एक आलिया के जिम्मे होता है रमजान से पहले चटनिया उसके वो, क्योंकि मुझे ये मैंने दो तीन दफा ये किया कि ना बहुत कि रोजों में कौन बनाए, तो मैंने एक बल्क में इमली और खजूर की चटनी बना के फ्रिज में रखी, लेकिन वो एक हफ्ते बाद मुझे लगा उसमें मोल्ड आना शुरू हो गया, तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझे ऑयल का आज आपने बताया मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने ये करना शुरू किया कि छोटे छोटे चार कंटेनर्स में ना मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ, बस एक कंटेनर निकाला एक हिस्सा और तीन फ्रीजर में डाल दिए कि हर हफ्ते एक निकाली, एक हफ्ते तक तो चल जाती है, एनीथिंग ओवर दैट और वो खराब, उसका फ्लेवर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। बट इमली की तो चल जाएगी, खजूर के साथ मुझे नहीं पता, खजूर के साथ बनाती हूं, टमाटर पेस्ट बना के अगर हम लोग रख रहे हो तो मस्ट है। हर चीज जब ये रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, ये मैंने अपने मियां से सीखे, तो ये बताते कि हर चीज आपने थोड़ा इतना ऑयल जो है ना एक उंगली ऑयल जरूर ऊपर रहना चाहिए, चीज कभी खराब नहीं होती, कभी भी उसके ऊपर फफूंदी नहीं लगेगी, वो फ्रिज में रखी हो। हाँ नॉर्मल फ्रिज में रखी हो तो ये वो अक्सर जैसे पैसे हुए लहसुन अदरक होते हैं ना हम पीस के जो रखते हैं उसके ऊपर भी डाल दें तो वो भी नहीं खराब, वो भी नहीं खराब होता। लेकिन हम इतना ऑयल कैसे कंज्यूम करें, हम तो ऑयल से बच रहे होते हैं। नहीं वो मैंने नहीं ऑयल डाला, ऊपर तभी आएगा सादिया जब वो अंदर इतना होगा कि वो ऊपर आए, इतना नहीं डलता, यही मैं आपको बता रही हूँ। अब आपका जो टमाटर पेस्ट है उसने ऑलरेडी इतनी जगह ली है तो वो आपके ऊपर वाली जगह पे इतना आसान है, मैं तो करती हूँ टेबल स्पून से ऊपर, आप इतना आप खुद पता चल जाएगा उसने अंदर तक नहीं जाना है, ऊपर ही रहना होता है, एक लेयर होती है ऊपर जो आपकी फफूंदी है उसको बचा। बेसिकली कह रही है कंटेनर में निकालने के बाद जब आपने कंटेनर में रख लिया फिर वो एक स्पून से आप ऊपर उसके ऊपर ऑयल पोर, तो वो ऊपर की लेयर जो है शील्ड टाइप की शील्ड बनती है। नेक्स्ट इसकी पिक्चर है लेमन जूस, क्योंकि शिकंजमीन बहुत मजा आता है, रिफ्रेशिंग होती है इफ्तार में, तो अब रोज बैठ के मैं लेमन स्क्वीज नहीं कर सकती और बहुत मुश्किल काम है। लेमन महंगे कितने हो जाते हैं रमजान में, पहले तो अक्लमंदी ये है कि अभी हो जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ अभी 300 रुपए आज ही मैंने विस्पर में विस्पर बात करी है, अभी आपको बता रही हूँ, पता चला बढ़ा दें भी कि अभी, क्योंकि आज ही जमीला को मैंने कहा था भाई 5 किलो लेकर आओ, कर 5 किलो लेकर आना ताकि निकालने में भी टाइम लगता है। मटर भी सस्ता है, 200 रुपए हुआ हुआ है, क्या 200 रुपए मटर हुआ हुआ है, मटर नहीं खाती ना मेरे घर, हमारे तो साल का फ्रीज होता है ना तो इसलिए। हाँ, वो तो खैर जब मटर का सीजन आता है तो वो सब घरों में छील कर वो उनकी पैकेट्स बन के रखे जाते हैं। मटर मुझे भी बहुत बोरिंग लगता है, मुझे बहुत हमारे यहाँ बहुत मटर पुलाव लगता है, मटर पुलाव बना मटर खाने के लिए बना दिया, अपने हाथ का जरूर खिलाऊंगी मटर, मटर ऐसा लगता है कि जैसे बोरिंग है बहुत। आई नो बट खैर कमिंग बैक टू लेमन जूस, तो मैं इसी तरीके से आइस क्यूब ट्रेज जो होती है उसमें मैं पूरे महीने का तो नहीं करती हूँ, 15 दिन का, फिर 15 दिन का मैं स्टॉक बाद में करती हूँ, तो वो लेमन जूस निकाल, तो रमजान से पहले की तैयारी होती है, ये रमजान से पहले कितने किलो आते होंगे लीमू, 4-5 किलो, ज्यादा लोग तो नहीं है ना घर में, दो माँ बेटी है, मैं और मेरी बेटी है, कभी कभार अम्मी आप ही मुझे ज्वाइन कर लेते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट एवरी डे, तो
हाँ 3 से 4 किलो एक वक्त में मेरे यूज होते हैं, और उनको आइस क्यूब में निकाल कर, और जैसे कि आपने कहा क्योंकि इतनी सारी ना मेरे पास इतना बड़ा फ्रीजर है कि मैं बहुत सारी आइस ट्रेज रखूं, तो मैं फिर ये करना शुरू कर देती हूँ कि निकाले आइस क्यूब ट्रेज दो भरी, वो थैली में निकाले, बैग बना लिया जिप लॉक में और फ्रीजर में रख दिया। इसका एक आपको बताओ जो मेरे यहाँ, क्योंकि मेरे पूरे साल लेमन जूस इसी तरह इकट्ठा होके होता है, हमारे जो पानी की बॉटल होती है नेस्ले की या किसी भी कंपनी की आपके पास बॉटल है, वो निकालती है प्लास्टिक की बॉटल को, उसमें भरा और डायरेक्ट फ्रीजर में नहीं, लेकिन वो तो बहुत सारा क्वांटिटी होगा ना। क्यों मैं आपको बता इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आपने 3 बोतलें फर्ज करें फ्रीज कर ली, हमारे यहाँ 5 किलो 10 किलो इस तरह, क्योंकि मेरे यहाँ नौकर बहुत ज्यादा है ना हमारे यहाँ, तो इफ्तारी भी उसी हिसाब से बनती है, शरबत भी उसी हिसाब से, फिर हमारे इर्द गिर्द के भी वो जितने गार्ड्स और भाई हैं उन सबका भी वो होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपने अब शुरू के 15 दिन के लिए पहली एक बोतल निकाल के रखी, उस वो उस ठीक होगी वो यूज होगी, फिर क्या मतलब पहले 15 दिन नहीं कहा फ्रिज में रखी है ना जो फ्रीजर किए हुए आपका लेमन जूस है वो एक निकाल के रख ले फ्रिज में, वो डेली आपकी यूज हो रही है, शरबत में भी यूज हो रहा है क्योंकि आपको डेली का डेली शरबत चाहिए होता है, फ्रिज में उसका फ्लेवर चेंज होना नहीं शुरू हो जाता, मुझे लगता है फ्रीजर में स्टेज वेरी फ्रेश के बस 2 आइस क्यूब्स या 3 आइस क्यूब्स निकाली अपने 2 ग्लास लेमनेड बनाया, तो पूरे साल का ये मुझे तो लगता है थोड़ा चेंज आता है फ्लेवर में, बहुत ज्यादा पुराना हो जाए तब आता है, क्योंकि हमारे इतना पुराना होता नहीं, मैं डेली का 2 कप कावा तो पीती हूँ और लेमन जूस चाहिए होता है। मेरा एक सवाल था, ये जो लेमन आप लोग स्क्वीज करके जूस रखते हैं, जो छिलके होते हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज करें? मैं हमारे घर में तो अचार छिलकों की दवा बनती थी, मेरी अम्मी छिलके सुखा कर नमक लगा कर सुखाती थी, और पेट का कोई भी मर्ज हो ना दर्द रख लेती थी, वो छिलके सुखा के ड्राई कर पहले नमक लगाया और उसको धूप में सुखा लिया, उसके बाद वो बर्नी में बंद करके रख दिया। अच्छा, उसके बाद कोई भी पेट का मर्ज हो दर्द हो फलाना हो डमक हो जरा सा पीस लिया बस मुंह में रख ली, क्योंकि वो इतना छिलका होता है उसको डस्टबिन में डालते रह सकते कहीं गाड़ दो। नहीं, हमारे यहाँ तो ये होता है कि खुशबू के लिए मैं तो पानी में उबाल उबाल के ना कॉर्नर साइडों पे रखती हूँ, हमारे यहाँ तो दवाई बनती है मजे की, हमने आज आपसे सीखा हम भी ये घर में रखेंगे, ये तो बड़ी जरूरी चीज है, और यकीन मानो कोई भी दर्द हो रहा है कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है रमजान में बहुत होती है, आपको काला नमक लगाया तो हाजमे के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, बेस्ट बहुत, वही मैं कह रही हूँ हर चीज के लिए को भी इस्तेमाल करें, तो हमने सारी जिंदगी खाए इस तरह से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि इतने सारे हो जाते हैं अगर आप निकाल रहे हैं उसको, जैसे हमारे यहाँ आप लेमन का ना हमारे यहाँ ऑरेंज जूस का भी, क्योंकि ऑरेंज समटाइम सीजन में नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह अमरूद समटाइम सीजन में नहीं होता, तो मैं इसका क्या करती थी, मैंने कल एक रील देखी इतफाक, मैंने कहा ये कितने मजे की चीज है ये ना, हो वो रील तो प्लीज दिखाइएगा, वो उसने क्या किया कि ऑरेंज के जूसेस सारे निकाले, कि अब आपने अगर इसको रखना है तो ऐसे ही आप क्यूब्स बना के फ्रीज कर ले, ताकि आप कभी भी फ्रूट चाट बनाए तो उसमें जरा अच्छा सा लगता है ना, ऑरेंज आ जाता है और उसका प्लम भी होना चाहिए, इसी तरह आपने प्लम के साथ जूस निकाला और फिर जो छिलका उसके ऊपर का जो एक व्हाइट हिस्सा होता है ना छिलके के ऊपर व्हाइट, उस व्हाइट हिस्से को आपने साफ कर दिया, अब रह गया सिर्फ ऑरेंज वाला छिलका, उसको बारीक 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 आपने देखी वो जेस्ट के लिए, उसके बाद उसने उस लेमन जूस में चीनी डाली, वो एक मिकदार है चीनी डालकर उसको पकाया और वो लेमन के मामलेट, क्या अच्छा मामलेट बनाया हमने बनाया अल्लाह, आप सोचो कि आप अपने घर में बना रहे हैं, आप अब आपकी मर्जी आप चीनी से बनाएं, आपकी मर्जी आप ब्राउन शुगर से बनाएं।